वो रानी बनने के लिए पैदा नहीं हुई थी, लेकिन जब वो रानी बनी तो दुनिया की सबसे लंबे वक्त तक रहने वाली रानी बन गई। 70 साल तक रानी रहकर उन्होंने अपनी पर दादी क्वीन विक्टोरिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्वीन एलिजाबेथ 7 दशक तक रानी रही, यानी आज जीवित अधिकतर लोगों ने उनके अलावा यूके का कोई और राजा रानी देखा ही नहीं। क्वीन एलिजाबेथ के बाद उनकी गद्दी का हकदार प्रिंस चार्ल्स हैं। ये बात हमें सालों से पता है, यानी अगला राजा या अगली रानी कौन होगा शाही घरानों में बच्चों के पैदा होते ही ये तय हो चुका होता है। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ था, उनका रानी बनना तय नहीं था। नमस्कार, मैं हूं ईशा, आप जुड़ चुके हैं डॉयचे वेले हिंदी के पॉडकास्ट वो कौन थी से, और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं कि प्रिंसेस एलिजाबेथ कैसे पहुंची अपने ताज तक और अपने प्यार तक। वो कौन थी? In a moment, with her husband by her side, she will be driving out on her way to coronation. A day of death. साल 1926 में जन्म हुआ प्रिंसेस एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी का। उस वक्त उनके दादा किंग जॉर्ज V यूके के राजा थे। जॉर्ज V के 6 बच्चे थे और नियम कहता है कि पहला बच्चा या पहला बेटा राजा का उत्तराधिकारी होता है। तो सबसे पहले बेटे को छोड़कर बाकी सब रिलैक्स थे कि हमारा तो राजगद्दी से कोई लेना देना नहीं है। बात सही भी थी। जब किंग जॉर्ज V का देहांत हुआ तो सबसे बड़े बेटे एडवर्ड 8 बने राजा, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए, क्योंकि इन्हें तो हो गया था प्यार। अब राजघराना प्यार का दुश्मन नहीं था, लेकिन दिक्कत यहां ये थी कि एडवर्ड 8 को जिससे प्यार हुआ था वो थी डिवोर्सी, वो भी एक बार नहीं, दो बार। अमेरिका की रहने वाली वैलिस सिम्पसन पहले 2 बार शादी कर चुकी थी। कुछ 10-10 साल बाद दोनों शादियां टूट चुकी थी। तो क्या गारंटी थी कि एडवर्ड 8 के साथ जब उनकी शादी होगी तो ऐसा नहीं होगा? ये सवाल मेरा नहीं है, ये उस वक्त राजघराने ने सवाल उठाया था। इससे पहले कभी शाही परिवार में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दुनिया कितने ताने देती कि हमारे राजा की कोई सोशल वैल्यूज ही नहीं है, किसी से भी शादी कर रहा है, लेकिन प्यार किया तो डरना क्या। एडवर्ड 8 ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए आपकी गद्दी, रखिए अपना ताज अपने पास, मैं जा रहा हूं इस तामझाम को छोड़कर सबसे दूर। ऐसा भी इस परिवार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि राजा अपनी जिम्मेदारी को ठोकर मार दे। एडवर्ड 8 ने अपने प्यार से शादी की और अपनी आखिरी सांस तक इस शादी को निभाया भी, लेकिन इन्होंने सिंहासन को ठोकर मारी तो उसकी जिम्मेदारी आ गई इनके छोटे भाई जॉर्ज 6 पर। 1936 में ये राजा बने। एलिजाबेथ की उम्र तब 10 साल। तब तक उनका बचपन नॉर्मल ही बीत रहा था, रईस परिवार में पल रही थी, लेकिन अब तक परिवार शाही नहीं था। पिता के राजा बनने के बाद सब कुछ बदल गया। जॉर्ज 6 का कोई बेटा नहीं था, बस 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी एलिजाबेथ और छोटी बेटी मार्गरेट। और इन दोनों के बाद भी अगर राजा रानी का कोई बेटा पैदा होता तो राजा वो बनता, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो प्रिंसेस एलिजाबेथ अब लाइन में अगली थी। अब रानी बनने के लिए उनका नंबर था। पिता के राजा बनने के बाद उनके लिए सब कुछ बदल गया, क्योंकि उन्हें अब एक दिन रानी बनने की तैयारी करनी थी। ऐसे में उनकी और उनकी बहन की पढ़ाई घर में ही होने लगी। अब उन्हें वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते थे जो आम तौर पर बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, बल्कि अब ट्रेनिंग रॉयल हो गई थी, कुछ अलग तरह की। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़नी थी। भाषाओं में उन्हें अंग्रेजी के अलावा जर्मन और फ्रेंच पढ़ने थे। फिर एक अच्छी राजकुमारी को क्लासिकल म्यूजिक और डांस भी आना चाहिए, साथ ही जानवरों से और खासकर कुत्तों और घोड़ों से लगाव होना चाहिए, घुड़सवारी भी आनी चाहिए और शिकार करना भी, और इस सब के साथ साथ धर्म की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो इन सब विषयों के लिए देश दुनिया से सबसे अच्छे ट्यूटर बुलाए जाते थे, एलिजाबेथ और मार्गरेट दोनों के लिए। अब आप सोच कर देखिए कि आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल चलकर आपके पास आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? हर वक्त घर में रहो, सबकी निगरानी में, टीचर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास कोई क्लासरूम नहीं है,
मस्ती करने के लिए बच्चे नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं। तो जब घर वालों को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने एक गर्ल स्काउट क्लब बनवा दिया। भाई राजकुमारी हो, बाहर कहाँ जाओगी, दूसरी लड़कियाँ यहाँ आ जाएंगी ताकि तुम्हें भी थोड़ा नॉर्मल लड़की टाइप फील हो। तो इस ग्रुप में शाही घराने की दूसरी लड़कियां भी थी और वहां काम करने वालों की बेटियां भी। 1937 में इसे सेटअप किया गया और इसके दो साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। लेकिन जंग के दौरान भी ये ग्रुप मिलता रहा। वैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ज्यादातर शाही घराने के बच्चों को कहीं सुरक्षित जगह पर छिपने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें कहा जरूर गया था, लेकिन उनकी माँ यानी रानी ने जवाब दिया, बच्चे मेरे बगैर कहीं नहीं जाएंगे, मैं राजा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, और राजा वो तो कहीं जाएंगे ही नहीं। तो दोनों बेटियां ना केवल अपने ही देश में रहीं, बल्कि दोनों ने कहा कि वो अपने देश के लिए कुछ करना भी चाहती हैं, सेना में भर्ती होना चाहती हैं। शाही परिवार के बेटे सेना का हिस्सा होते हैं लेकिन बेटियां नहीं। फिर भी परंपरा की परवाह किए बिना उन्हें वहां भेजा गया, हाँ लड़ने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए। एलिजाबेथ को ड्राइवर और कार मैकेनिक की ट्रेनिंग दी गई। वो सेना में लोगों की गाड़ियों की मरम्मत किया करती थी। जल्दी ही मीडिया ने उन्हें प्रिंसेस ऑटो मैकेनिक का नाम दे दिया। इसी दौरान एलिजाबेथ की एक लड़के से दोस्ती गहरा रही थी। पहली बार दोनों की मुलाकात जंग शुरू होने से ठीक पहले हुई थी। एलिजाबेथ की उम्र उस वक्त 13 साल थी जब वो अपने परिवार के साथ नेवल एकेडमी का मुआयना करने गई थी। वहां उनकी मुलाकात हुई फिलिप माउंटबेटन से। 18 साल के फिलिप वहां कैडेट थे। वैसे एक दूसरे से पूरी तरह अनजान लोग नहीं थे। माउंटबेटन से आपको क्या याद आता है? लॉर्ड माउंटबेटन। पूरा नाम लुइस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन। वही माउंटबेटन जो 1947 में भारत के आखिरी वायसराय बनकर आए थे, जिन्होंने 4 महीने के अंदर भारत का बंटवारा करा दिया था। तो उन्हीं लॉर्ड माउंटबेटन के भांजे थे फिलिप, और दोनों ही क्वीन विक्टोरिया के खानदान से नाता रखते थे। तो अगर आप इनकी बड़ी सी फैमिली ट्री निकाल कर देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये दोनों लोग बहुत दूर के कजन्स थे। रॉयल नेवी कॉलेज से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते रहे और ऐसा जंग के दौरान भी जारी रहा। थोड़ा सा आपको मैं जनाब फिलिप का भी बैकग्राउंड दे देती हूँ। वैसे तो ये ग्रीस और डेनमार्क के प्रिंस थे, लेकिन सिर्फ नाम के, क्योंकि कई साल पहले ही इनके परिवार को ग्रीस छोड़कर भागना पड़ा था। इनकी 4 बहनें थी, चारों ने जर्मन राजकुमारों से शादी की थी। ये खुद भी जर्मनी में पढ़ते थे, बाद में यूके आए थे, और दूसरे विश्व युद्ध में आपको पता ही है जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। तो इस हिसाब से घर वालों को जब पता चला कि एलिजाबेथ की दोस्ती फिलिप से बढ़ रही है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिलिप के जर्मन नाते के चलते एक तरह से वो दुश्मन देश से जुड़ा हुआ था और ये परिवार को बिल्कुल भी राज नहीं आ रहा था। बताया जाता है कि फिलिप के कजन ने एलिजाबेथ के पिता से बातों बातों में जब दोनों के रिश्ते की बात छेड़ी तो उन्होंने जवाब दिया कि अपने कजन को बोलो कि इस बारे में सोचना बंद कर दे। साथ ही उन्होंने ये भी इशारा किया कि बच्ची अभी बहुत छोटी है, अभी उसकी शादी की उम्र नहीं हुई है। इसके अलावा पिता को फिलिप यूं भी पसंद नहीं थे, वो बस नाम के ही प्रिंस थे, उनके पास कुछ था ही नहीं। तो फिर कंगाल प्रिंस से अपनी बेटी की शादी कैसे करा दें? पिता को फिलिप बहुत संस्कारी भी नहीं लगते थे, इसलिए वो कन्विंस थे कि ये लड़का तो मेरी बेटी के लिए ठीक कतई नहीं है। लेकिन 1946 में जब फिलिप ने एलिजाबेथ को प्रपोज किया तो माता पिता से बिना पूछे उन्होंने हाँ कह दी। अब शाही जबान है, दे दी तो निभाना भी पड़ेगा। इसके बाद फिलिप पहुंचे पिता से बेटी का हाथ मांगने। मजबूरन पिता मान गए, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तें भी रख दी, और शर्तें सुनिए। उन्होंने कहा कि पहली शर्त तो ये कि बेटी के 21 साल के होने से पहले शादी तो क्या, फॉर्मल तरीके से मंगनी भी नहीं होने दूंगा। दूसरा, फिलिप को अपने पिता का नाम छोड़ना होगा, अपने जर्मन नाते तोड़ने होंगे और माँ का सरनेम माउंटबेटन इस्तेमाल करना होगा। प्यार की खातिर फिलिप ने सारी शर्तें मान ली और प्रिंस फिलिप ऑफ ग्रीस एंड डेनमार्क बन गए फिलिप माउंटबेटन। लेकिन अभी थोड़ी और मशक्कत करना बाकी था। इन सब के बाद भी पापा ने कहा कि अभी 1 साल और तो इंतजार करना ही पड़ेगा।
18 साल की उम्र से पिता ने एलिजाबेथ को शाही जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी थी। Now, being of age, she began to fulfill the official public duties of royalty. She launched the new aircraft carrier Eagle, built in Northern Ireland. In another great ship, which she also launched, HMS Vanguard, she voyaged with her parents to Cape Town, joining with spirit in the deck games of the young naval officer. अब वो देश भर में घूमा करती थी। जिस वक्त शादी का प्रपोजल आया था, तब तक पापा ने बेटी के लिए एक फॉरेन ट्रिप प्लान कर रखी थी। अपने परिवार और 2000 नेवल ऑफिसर्स के साथ एलिजाबेथ पहुंची साउथ अफ्रीका। यहीं उन्होंने अपना 21वां जन्मदिन भी मनाया। वापस आकर पिता ने धूमधाम से बेटी की शादी की। किसी मैच की लाइव कमेंट्री की तरह बीबीसी रेडियो में इस शादी का लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था। टीवी पर लाखों लोगों ने पहली बार किसी राजकुमारी की शादी देखी थी। प्रिंसेस एलिजाबेथ, डॉटर ऑफ किंग जॉर्ज VI एंड लेफ्टिनेंट फिलिप माउंटबेटन RN, बोर्न प्रिंस ऑफ ग्रीस, वर मैरिड ऑन द बालकनी एट बकिंघम, वेयर मेनी किंग्स एंड क्वींस हैव अपीयर्ड। प्रिंसेस एलिजाबेथ हैप्पीली शेयर्स द सुप्रीम डे ऑफ हर लाइफ विद हर कंट्रीमैन। कितना बड़ा इवेंट होता है ना शादी। खाने की तैयारियां करो, कपड़े, ज्वेलरी, मेहमान, कितना कुछ सोचना पड़ता है। और कुछ ना कुछ तो हर शादी में गड़बड़ होता ही है। इसमें भी हुआ था। जी हाँ, हुआ ये कि एलिजाबेथ ने अपने सर पर जो डायमंड का टियारा पहना था, वो दरअसल उनकी नानी का था, जो कुछ 30 साल पहले बनवाया गया था। तो एलिजाबेथ जब वेडिंग गाउन पहनकर, मेकअप करके जब वो रेडी हो गई और बैठी, तो उनके सर पर जब टियारा सजाया गया, वो टूट गया। सोचिए, आपकी शादी की ज्वेलरी फेरों से ठीक 2 घंटा पहले टूट जाए, क्या हालत होगी आपकी। ऐसी ही उनकी भी हुई थी, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दी। 2 घंटे के अंदर शाही ज्वेलर ने मुकुट ले जाकर उसे रिपेयर किया और फिर वक्त रहते उसे वापस भी ले आया, और किसी को पता भी नहीं चला कि इतनी बड़ी गड़बड़ होते होते रह गई। यानी रॉयल लोगों की जिंदगी भी हमसे बहुत अलग नहीं होती है। खैर, शादी हो गई। 1 साल बाद प्रिंस चार्ल्स आ गए। उसके 1 साल बाद प्रिंसेस एन भी आ गईं। परिवार पूरा हो गया। Since then, their devoted family life has remained unimpaired by the increasing demands of affairs of state and the frequent journeys apart their duties involve. Change in which many ancient institutions, including marriage, have been questioned, the royal family has set an example of stability and respect for the basic, simple values of human relations. Certainly, a duke can push a pram as well as any man. You ask Prince Charles. And even babysitting can be carried out with royal dignity. And they lived happily ever after. Actually, ये fairy tales का happily ever after ना, मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। ऐसा लगता है कि इसके बाद से स्टोरी इतनी बोरिंग हो गई कि सुनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए बस ये कहकर खत्म कर दिया कि happily ever after। क्योंकि उतार चढ़ाव तो हर किसी की जिंदगी में होते हैं। हमेशा हमेशा के लिए कोई हैप्पी कैसे रह सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। 1952 में किंग जॉर्ज VI का देहांत हुआ। उस वक्त एलिजाबेथ और फिलिप केन्या के टूर पर थे। वहां से लौटकर प्रिंसेस एलिजाबेथ को क्वीन एलिजाबेथ बनना था। 129 देशों से लोग उन्हें रानी बनता हुआ देखने के लिए वहां पहुंचे, और उस दिन के बाद से 70 सालों तक वो क्वीन बनी रही। जब तक उनकी तबीयत ठीक रही, वो दुनिया भर में घूमी। उन्होंने 117 देश देखे, जिनमें उनका फेवरेट था शायद कनाडा, क्योंकि वो 22 बार वहां गई। क्वीन एलिजाबेथ को सबसे वेल ट्रैवल्ड मोनार्क के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। वो भले ही बाकी के राजा रानियों की तरह उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पूरी दुनिया घूमकर उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया, वो उनकी पर्सनैलिटी में हमेशा झलकता रहा। There's no holding back a Buckingham Palace crowd at moments such as this. They want a close-up, and they're always rewarded. The Queen still wears the coronation bracelets, and to Prince Charles, there's something new and curious. क्वीन एलिजाबेथ की जिंदगी के बारे में आप उनके निधन के बाद से बहुत कुछ पढ़ और देख चुके होंगे। उम्मीद है आज मैं आपको उनकी जिंदगी की किताब से कुछ ऐसे पन्ने निकालकर पढ़कर सुना पाई जो आपने शायद पहले ना सुने हो। आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा।
मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. नमस्कार.